अरे मित्रों, क्या हाल चाल आप सभी के। अरे यार, आप हंसते नहीं। कोई बात नहीं यार, मैं आपको हंसाने आ चुका हूँ। सबसे पहले देखो यार, इस दुल्हन को, यानी कि दुल्हन बिल्कुल तैयार श्यार होकर आई है। देखो यार, दुल्हन की बॉडी यार, इसका दूल्हा तो गया काम से, यानी कि ये अपने दूल्हे को एक लफेड़ा मारेगी और दूल्हा बिल्कुल चांद तक की सैर करके आ जाएगा। अगर आपको भी ऐसी खतरनाक खलनायक डोले शोले वाली दुल्हन चाहिए तो यार नीचे कमेंट करके बताओ। मित्रों, सभी ने देखी है फिल्म शोले? कि सबने देखी है फिल्म शोले यार, किसी की दुल्हन के ना हो ऐसे डोले, क्योंकि अगर ऐसे डोले होंगे ना, दुल्हन मार मार के चटनी मेरा मतलब कि बढ़ता, अरे सब कुछ बना देगी यार। मित्रों, यहाँ पर देखो, ये गई है मेकअप वाले के पास मेकअप करवाने के लिए, और तभी जो गाना सुना रही है, सुनो आप। अरे हाँ हाँ, रंग करवा ले, वो तुझे रंगने ही तो आया है, और वो रंग मार मार के तुझे बिल्कुल सुशीली दुल्हन बना देगा। दुल्हन को दूल्हे को लफेड़े मारने का होता है ढंग, कि दुल्हन को दूल्हे को लफेड़े मारने का होता है ढंग, अबे ये कर देगा तुम्हारा रंग। अब मित्रों, यहाँ पर देखो, ये आंटी बिल्कुल गोरा होने आई है, और यार क्या बोल रही है सुनो आप। अरे आंटी, दादे ने, मेरा मतलब है कि शहजादे ने तुझे शहजादी नहीं बनाया, तुम्हें मेकअप वाले ने शहजादी बनाया है, क्योंकि मेकअप वालों को होता है ढंग, कि मेकअप वालों को होता है ढंग कि कैसे करना है दुल्हन को रंग। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि यार इतना थोड़ी करते हैं, मेकअप हिसाब का करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो यार, इसके पति देव वीडियो बना रहे हैं और ये मेकअप को उखाड़ रही है, और देखो यार क्या हो रहा है। ये तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं बिफोर और आफ्टर, अब ये बिफोर देख लो, इसके बाद मैं तुम्हें आफ्टर दिखाऊंगा, डर मत जाना बस। तो गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ आफ्टर। क्या कर रहे हो यार? नेचुरल ब्यूटी कैसी है? नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। अबे ये कैसी नेचुरल ब्यूटी है, ऐसे लग रहा है जैसे कि दीवार को थोड़े मार मार के उसका रंग निकाल दिया गया हो। अब मित्रों, यहाँ पर देखो, खबर छपी है कि दूल्हा नहीं सुना पाया दो का पहाड़ा, वधू ने लौटाई बारात। अबे क्या जमाना आ गया है मित्रों। अरे पहाड़ा सुनाने को बोला तो बोला, अबे तुझे दो का पहाड़ा नहीं है, ये सब क्या हो रहा है इस दुनिया में। अरे 12-13-14 का पहाड़ा होता तो मान लेते, नहीं आता, अबे दो का पहाड़ा तो सुना देता। लेकिन मित्रों, आप अपनी शादी में बिल्कुल होशियार होकर जाना, 2 का 10 का 20 का 50 तक का पहाड़ा याद करके जाना, क्योंकि दुल्हन को पटाना है, मतलब की पटी होगी यार, उसको घर में लाना है मित्रों। ये रहा नहीं जाता। अब मित्रों, यहाँ पर देखो, ये दुल्हन बहुत ही खुश है, यानी कि डांस कर रही है। क्या डांस कर रही है देखो आप। हाय 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 यार, वाह वाह, क्या डांस किया है। आपको भी देवियों, आपको भी अपनी शादी में ऐसे डांस करना है और दूल्हे राजा को प्रसन्न कर देना है। अब मित्रों, यहाँ पर देखो, इस दुल्हन को ये बिल्कुल गोरा शोरा होने आई है, और मेकअप वाली की तरफ देखो। अरे दीदी, कैसे मेकअप फेर रही हो? अरे मेकअप नहीं, मतलब कि कैसा पेंट फेर रही हो, यानी कि देखो यार, दुल्हन को देखते देखते कैसे गोरी कर रही है। जब तक यार इसका मेकअप हो रहा है, मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, उसका उच्चारण करो यार, क्योंकि इस पापी दुनिया में सिर्फ वही मंत्र आपको बचा सकता है। तो चलो यार सुनो। बगल वाली पिंकी को पटाना है और मेकअप वाली दुल्हन से बच जाना है, बगल वाली पिंकी को पटाना है और मेकअप वाली दुल्हन से बच जाना है। मित्रों, इस मंत्र का आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उच्चारण करना है, और तब यार आपको बिल्कुल सुशीली दुल्हन मिलेगी यार, बिना मेकअप वाली। लेकिन फिर भी यार, ये कलयुग है, मेरा कोई ठेका नहीं है, मेरी कोई गारंटी नहीं है यार। देखते देखते यार हो गया ना मेकअप, देखो यार कितनी सुशील लग रही है, पहले ऐसी लगती थी, और अब देखो यार कितनी सुशील दुल्हन बन चुकी है मित्रों। इसलिए मित्रों, मंत्र को कभी भी भूलना मत, है ना, हंसते रहा करो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको यार, काला कर दो उसे।